हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक सो टुडे इन दिस लेक्चर वी विल लर्न अबाउट द वर्ब स्ट्रक्चर हैड बेटर प्लस बेयर आर इन्फिनेटिव वेन एवर वी वॉन्ट टू गिव एडवाइस इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन जब कम किसी को एडवाइस दे रहे होते हैं कि अच्छा तो रहे ये काम पहले कर लो वी यूज दिस स्ट्रक्चर हैड बेटर प्लस बेयर इन्फिनेटिव एंड आई होप दिस वर्ब स्ट्रक्चर विल बी रियली हेल्पफुल फॉर योर स्पोकन इंग्लिश सो लेट्स बिगिन हैड बेटर प्लस बे आर इन्फिनेटिव सो फर्स्ट वी मस्ट हैव अ गुड आइडिया अबाउट इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव इज़ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ बर्ब आप सबको पता होगा टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ बर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब होता है इन्फिनेटिव और जैसे हम कहते हैं टू गो टू मूव टू कम टू रीच टू लीव टू फिनिश टू बिगेन ऑल दीज आर इन्फिनेटिव बट हियर वी हैव टू यूज बे आर इन्फिनेटिव बेयर मीन्स विदाउट टू इट मीन्स हैड बेटर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पर जो हमें वर्ब स्ट्रक्चर यूज करना है दैट इज हैड बेटर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अब इसी स्ट्रक्चर को हम क्यों यूज करते हैं वेन एवर वी वॉन्ट टू से अच्छा तो रहे ये काम पहले कर लो यू हैड बेटर डू दिस वर्क फर्स्ट अच्छा तो रहे आप ये काम पहले कर लें सो इट वुड बी बेटर टू डू दिस वर्क फर्स्ट इसको कहने के बजाय वी कैन से यू हैड बेटर डू दिस वर्क फर्स्ट यू हैड बेटर लर्न ग्रामर फर्स्ट अच्छा तो रहे आप पहले ग्रामर सीख लें तो जब कभी हम एक पर्टिकुलर सिचुएशन में एडवाइस देना चाहते हैं तो इस वर्ब स्ट्रक्चर का यूज करते हैंड बेटर टू रिफर टू द प्रेजेंट और फ्यूचर प्रेजेंट और फ्यूचर को रिफर करता है टू टॉक अबाउट एक्शंस वी थिंक पीपल्स शु डू कि लोग ये काम इस वक्त करना चाहिए डिजायरेबल इन ए टिपिकल सिचुएसन जब कभी भी हमारे मन में ये आता है जब हम ये बताना चाहते हैं कि अच्छा तो रहे ये काम पहले करो और ये स्ट्रक्चर पॉजिटिव में भी यूज होता है नेगेटिव में भी और इंटरोगेटिव के साथ भी जैसे मैं कहूँ अच्छा तो रहे ये काम आप पहले करो यू हैड बेटर डू दिस वर्क फर्स्ट आपको नहीं लगता अगर आप ये काम पहले करें तो अच्छा रहेगा यू बेटर डू दिस वर्क फर्स्ट सो दीज आर क्वाइट इंप्रेसिव सेंटेंसेस लेट्स हैव हैवे लुक एट दीज एग्जाम्पल्स एंड दीज एग्जाम्पल्स विल मेक एवरी थिंग क्लियर टू यू आई हैड बेटर रिंग हिम एट वंस अच्छा तो रहे मैं उसे तुरंत कॉल कर लूँ दिस वुड बी अ गुड थिंग टू डू ये करना ज्यादा बेहतर रहेगा नेक्स्ट एग्जाम्पल यू हैड बेटर फ्लाई इट मीन्स यू हैड बेटर फ्लाई रेदर देन टेकिंग अ बस और ट्रेन बस और ट्रेन के बजाय ये ज्यादा अच्छा रहेगा अगर आप बाई एयर जाओ इट वुड बी बेटर फॉर यू टू गो बाई एयर यू हैड बेटर नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी दिस स्ट्रक्चर इज ऑल्सो यूज इन निगेटिव Not के साथ भी यूज होता है नेगेटिव फॉर्म में भी यूज होता है यू हैड बेटर नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी मीन्स अच्छा तो रहे इस अपॉर्चुनिटी को आप मिस ना करें इट वुड बी अनवाइज टू मिस दिस अपॉर्चुनिटी इस मिस इस अपॉर्चुनिटी को मिस करना तो बहुत ही अनवाइज डिसीजन होगा तो अच्छा तो रहे या आप ना करें यू हैड बेटर लर्न ग्रामर फर्स्ट अच्छा तो रहे आप पहले ग्रामर सीखें यू हैड बेटर ज्वाइन द क्यू अच्छा तो रहे आप क्यू में लग जाए से दिस स्ट्रक्चर हैड बेटर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और बेयर बेटर टू से हैड बेटर प्लस बेयर इन इन्फिनेटिव का यूज विदाउट टू ये जब कभी हमें यूज करना है वी से अच्छा तो रहे ये काम पहले करो लेट्स हैव एग्जाम्पल्स है यू हैड बेटर नॉट लीव माई बाइक देअर समय स्टिल इट सपोज इफ समू टेक यूर बाइक आपकी बाइक को लेकर के जा रहा है एंड यू वॉन्ट टू गिव एन एडवाइज कि वहाँ मेरी बाइक को पार्क मत करना वहां से चोरी हो सकती है अच्छा तो रहे आप बाइक को वहाँ पार्क न करें यू हैड बेटर नॉट लीव माई बाइक देअर सम वन माई इट स्टील इट सो दिस इज गुड इन सेहने में भी अच्छा है यू हैड बैटर नॉट लीव माई बाइक देअ समन माई इट स्टील इट इन ऑफ सेन दी सेंटेंस इट वुड बी वाइस टू से वाइस टू यूज हैड बेटर प्लस बे आर इन्फिनेटिव सपोज आप किसी को ये कहना चाह रहे हैं आपको नहीं लगता है कि यह बेहतर रहेगा आप अपना कंप्यूटर स्विच ऑफ कर दें ये ओवर हीट हो सकता है स्विच योर कंप्यूटर ऑफ इट माइट ओवर हीट इफ़ यू लिव इट मीन्स टू गिव सजेशन इन ए पर्टिकुलर सिटुएसन जब कभी भी आप एक पर्टिकुलर सिटुएसन में सजेशन देना चाहते हैं वी यूज हैड ए बेड हैड बेटर प्लस टिव यू हैड बेटर डू दिस वर्क फर्स्ट और इसी को अगर आप हैडंट के साथ कहना चाहें हैडंट यू बेटर डू दिस वर्क फर्स्ट सो यू कैन यूज हैड बेटर प्लस बे आर इन्फिनेटिव इन योर सेंटेंसेज एंड आई होप दिस वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर योर स्पोकन इंग्लिस सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट इन्फिनेटिव जेरन एंड पार्टिसिपल सो स्टे ट्यून फॉम लेक्चर्स Thank you for watching.